हाय फ्रेंड, आज एक LG LED का डेड प्रॉब्लम लेके आया हूँ। इस LED का प्रॉब्लम है, इसका पावर सप्लाई का जो एडाप्टर है उसमें पावर सप्लाई सही आ रहा है, लेकिन इसका जो स्टैंड बाय लाइट नहीं जल रहा है। इसका एक्चुअली पावर सप्लाई ओके है, लेकिन बोर्ड में पावर सप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये एक सिंपल सा फॉल्ट है। इसका जो रीज़न है, जो कंडीशन है, वो आपको बताएंगे। इसका जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन किसी को ये छोटा चीज़ ध्यान नहीं आएगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका पावर सप्लाई का जो एडाप्टर है, इस एडेप्टर में ये देखिए, ये देखिए, ये 19 वोल्ट का एडेप्टर है। ये वोल्टेज भी सही दे रहा है, लेकिन इसको देने के बाद इसका जो पावर सप्लाई आना चाहिए स्टैंड बाई लाइट में, वो देखिए नहीं जल रहा है। इसका प्रॉब्लम और कुछ नहीं, इसका जो प्रॉब्लम है देखिए, एडाप्टर देने से यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पर ही वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम जहाँ पर है, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर वोल्टेज आ गया। ठीक है, अभी इसको चेक करेंगे कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। ये भी यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर भी आ गया। यह अभी स्टैंड ड्राइव कंडीशन में है, इसलिए नहीं आ रहा है। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम था, इसका ये सॉकेट में, यहाँ पर इस सॉकेट में इसका प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना, इस सॉकेट किसी स्क्रैप बोर्ड से लगा देने से भी ओके हो जाएगा, या इसमें अगर मार्केट से मिले तो इसको चेंज कर भी ओके कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा फॉल्ट मिलेगा तो इसको छोटा सा चीज़ है, लेकिन ध्यान से चेक करेगा, इसका जो सॉकेट है वो पहले चेक करेगा। उसके बाद ये डायोड का ये कॉयल है, ये कॉयल का सप्लाई भी देख लीजिएगा। एक्चुअली आपको अगर डेड प्रॉब्लम मिले LG में, तो इसका जो पावर सप्लाई का लाइन है, ये स्टेप बाय स्टेप चेक करने से आपको कहाँ पर फॉल्ट है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था छोटा सा एक वीडियो, छोटा एंड सिंपल। थैंक यू।